गुड इवनिंग सर, वेलकम टू एग्जैडमी। दिस इज प्रियंका कुमारी रिप्रेजेंटिंग एग्जैडमी। वी वेलकम यू ऑल इन दिस प्लेटफॉर्म एंड वी आर वेरी प्राउड दैट यू आर हियर विद अस। सो आई विल टेल यू दैट व्हाट विल गो इन द होल प्रोसेस। लाइक फर्स्ट आवर टू ऑफिसर विल रिप्रेजेंट व्हाट एग्जैडमी is doing and what they are whether they are benefiting from it or not. Means they will share their personal experience. Then Nitish sir will represent sorry introduction give introduction about you, and then a few students are there who are asking questions about your journey, how to tackle situations, and then I will ask some questions to you. This is all what we are going to do here. So I'm handling to Ms. Sangeeta to proceed further, and I welcome you again, sir. Okay. Good evening, sir, and Good welcome evening. to our team, Exademy. So, sir, I would like to share my personal experience about Exademy. Actually, Exademy is trying to uplift the unprivileged students. And my personal experience, sir, when I joined Exademy, तब मेरा उतना उतना कुछ मतलब मेरा प्रिपरेशन जस्ट मैंने स्टार्ट किया था, तभी मैंने एग्जामी को ज्वाइन किया था। तो तब मेरा उतना लेवल नहीं था, मतलब कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम थी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी। तो एग्जामी को ज्वाइन करने के बाद एग्जामी के बहुत सारे प्रोग्राम है, लाइक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स और मैथमेटिक्स ऑप्शनल से रिलेटेड जो भी कोर्स एग्जामी के है, तो उससे मुझे इतना बेनिफिट हुआ कि एक तो मैथमेटिक्स जो मैंने ऑप्शनल लिया था, एक तो वो तो मेरा बेसिक अच्छे से कवर हो रहा है, अभी तो मैं प्रिपेयरिंग स्टेज में हूँ। और इंग्लिश की बात तो हाँ, राइट नाउ आई एम कॉन्फिडेंट इनफ टू स्पीक इन इंग्लिश, एंड दिस इज ऑल अबाउट माई एक्सपीरियंस विद आवर टीम एग्जामी। So now it's over to our another state officer, Mr. Gaurav. Good evening, everyone. Good evening, sir. Good Nice to evening. have you. Nice to have you in this session. Myself, Gaurav Nath. I'm from Assam, an academy state officer representative. My experience is that before COVID lockdown, I was just started my UPSC preparation. Then I found Professor on academy when he had only 600 subscribers. So at that time, sir was only focusing to completing the mathematical optional course, but then lots of up and down in examining regarding some financial problem. So sir, think and launch a new platform in examining. Like there are so many courses like Bolognese, English, Crash Course, Academy light courses. So many courses. So we are benefiting from this all courses. There is yoga course also going on here. So nice to have you, Professor, in this preparation time, and I'm thankful to him. Now I hope then Exalumni will be a leading institute in future, and they will start making so many students future IAS, IPS. So thank you, Professor, again, and thank you, sir. So, सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक्सैडमी के। हम लोग यहाँ पे जैसा कि अभी मिल रहे हैं आपसे रूबरू होने के लिए, और थोड़ा हम लोग का ये एक्सैडमी का ये मतलब प्रयास है कि बच्चों को जो मतलब अभी अंडर प्रिविलेज्ड हैं और जो लोग उस हद तक नहीं पहुंच पाए कि उतना सब कुछ रिसोर्सेज मतलब एक्युमुलेट कर पाए और मतलब अपना वो फ्यूचर जो है कि आईएएस और सिविल सर्विसेज में बनाना वो कर पाए, तो उसके लिए एकेडमी का एक मतलब ये अटेम्प्ट है कि उन लोगों के लिए मतलब कुछ किया जाए। तो यहाँ पे दो तरह की फेलियर्स होती हैं कि
ये जो कभी कुछ सोचते हैं मगर वो कुछ कर नहीं पाते बिकॉज उनको डर लगा होता है कि वो कर पाएंगे या नहीं या सक्सेसफुल हो पाएंगे या नहीं, और दूसरा चीज की वो दूसरा फेलियर ये होता है कि कभी वो उस बारे में सोचते ही नहीं है। तो हमने हमारे सर के प्रभास सर के दिमाग में ये ख्याल आया था कि मतलब ये कुछ लोगों के लिए करना चाहिए जो इंडियंस हैं हमारे जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं उन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। तो सर इस इनिशिएटिव के साथ आए कि मतलब बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पे मतलब स्टूडेंट्स के लिए कुछ कर पाए। और इसमें सर ध्यान बैच होता है, इसमें मतलब ध्यान बैच एक बहुत ही अच्छा ये चीज है कि जो बच्चों का सेल्फ एस्टीम को कम से कम ये अपलिफ्ट करने के लिए होता है। और यहाँ पे ये जैसे कि अभी कुछ दिन पहले की बात है कि वो एक तो कि बच्चों को जब बोला गया कि वो अपने पास्ट के बारे में थोड़ा रिकॉल करें मेडिटेशन के टाइम, तो वो सब इमोशनल हो गए थे। तो इट फेल्ट लाइक कि एवरीवन वाज फ्रॉम ये हम्बल बैकग्राउंड, देयरफॉर कि उन लोगों का एक जो मतलब अपना ये फ्यूचर में कुछ करने का है तो उसके लिए कुछ आप गाइड करें तो अच्छा होगा। थैंक यू सर। Now Niti sir will introduce you sir. सर प्रथम मैं हिंदी में ही इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। मेरा नाम विजय कुमार हुआ और मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट प्रोविडेंट फंड ऑफिसर नालंदा में पोस्टेड हूँ, नालंदा डिस्ट्रिक्ट बिहार, और ये बिहार फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से आते हैं हम लोग स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। सबसे सर्वप्रथम कोई भी कमीशन की तैयारी करने के लिए पहली बात तो हमेशा ये रहना चाहिए कि हमको कमीशन की तैयारी करने के लिए पहला जज्बा होना चाहिए, जज्बा सही रहे और हम कुछ भी कर सकते हैं। कोई भी बाहर से हम लोग के बीच में मानव है, मानव ही मानव से कोई काम ऐसा नहीं हो सकता कि वो काम नहीं हो सकता है। हिमालय पे फतह करने वाला भी मानव था और चांद पे जाने वाला भी हम में से ही कोई एक मानव ही था। तो ये जज्बा होना चाहिए और थोड़ा सा प्रयास, थोड़ी सी आस्था के साथ अपने लगन मेहनत प्रयास करते रहना चाहिए। जुनून जब हो जाए चीज को पाने का तो निश्चित उसको सफलता मिलती है, आज के दौर में भी मिलती है और कल भी मिलती थी, आज भी मिल रही है और कल भी मिलेगी। ये अब ये बात रहती है कि कभी कभी विपरीत परिस्थितियों में भी, जब विपरीत परिस्थिति में हम परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं हो, विपरीत हो और उसमें हम बहना चाहते हैं तो हमको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जुनून रहे तो जुनून अवश्य ही सफलता प्राप्त होता है। विपरीत धारा में भी हम बह करके भी उसकी सफलता को हासिल कर सकते हैं। आपने दशरथ मांझी का नाम सुना होगा शायद, बिहार के दशरथ मांझी एक ऐसे पर्सन हैं जिनका नाम कोई उसके पास ना कोई साधन था ना ही कोई ऐसा, एक था जुनून, साधन सीमित था लेकिन उसके पास उसके जुनून ने ऐसा दिखाया कि वो बड़ा सा पर्वत काट दिया और बाद में उनका नाम हुआ। तो मैं एक यही कहना चाहूंगा कि सारे जितने भी कमीशन के विद्यार्थी हैं, एक जुनून के साथ, जुनून उसके पास सुविधा विहीन भी है, छोट मतलब कि उसके पास साधन उतना नहीं है, इकोनॉमिकल कंडीशन भी खराब है, फिर भी वह कमीशन कंप्लीट कर सकता है, वह आगे बढ़ सकता है, बस थोड़ा सा मेहनत ज्यादा होगा उसमें। केवल जो कमी होती है उसमें पीएमए पॉजिटिव मेंटल हमेशा उसके दिमाग ये शार्प होना चाहिए, उसके दिमाग में ये बात हमेशा होना चाहिए, पॉजिटिव मेंटल उसका रुख जो होना चाहिए, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड उनका होना चाहिए,
हमेशा पॉजिटिव, किसी भी बात को वह पॉजिटिव ले, पॉजिटिव समझे। अब क्योंकि देखिए एक बात होता है कि पॉजिटिव अंत जो हमारी जो पॉजिटिव शक्ति है, सकारात्मक शक्ति है, वो आंतरिक शक्ति को जगाता है और आंतरिक शक्ति इंटरनल स्ट्रेंथ टैकल टू द बिगेस्ट प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम वो सॉल्यूशन निकालता है और उसी से हम सफलता की ओर आगे जाते हैं। कोई जरूरत नहीं है, मैं ये कहता हूं आज बहुत सारे स्टूडेंट ये कि दिल्ली या बहुत बड़े बड़े कोचिंग संस्थान में जाएंगे तभी हमारी सफलता हासिल होगी, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब ऐसा जरूरत है लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वहां नहीं जाएंगे तो हमारी सफलता नहीं होगी। हो सकता है हम कम साधनों में भी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वैसे जो गरीब तबके के स्टूडेंट है वो भी सफलता हासिल कर सकता है, बस थोड़ा सा मेहनत, थोड़ा सा आस्था, थोड़ा सा विश्वास। आप अपने आप पे विश्वास रखो ना, अपने अपने दिल पे विश्वास रखो निश्चित, और उस दिल और दिल पे विश्वास रख के वो जुनून ला और प्रयास करो, थोड़ा सा विपरीत धारा में बहने का प्रयास करो। थोड़ा मेहनत ज्यादा लगेगा, हाथ पांव ज्यादा मारना पड़ेगा लेकिन सफलता जरूर मिलेगी निश्चित रूप से। थोड़ा ये हो कोई भी, और सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक। थोड़ा सा मार्गदर्शन होना, मार्गदर्शन भी जरूरी है लेकिन सेल्फ स्टडी सबसे बड़ा चीज है। आप सेल्फ स्टडी करते हैं तरह तरह की भिन्न भिन्न, अभी भी टेक्स्ट बुक भिन्न भिन्न तरह के टेक्स्ट बुक को पढ़ते हैं तो कोई चीज में आपका ओपिनियन, अपना ओपिनियन ज्यादा काम करता है। अपना ओपिनियन तभी हो सकता है जब आप भिन्न भिन्न तरह की पुस्तकें पढ़ेंगे, टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे, तभी आप अपना ओपिनियन दे सकेंगे। अपना ओपिनियन जब मिलता है तभी वह उसका उसका जो जो वर्णात्मक प्रश्न रहता है, जिस टिप्स प्रश्न, उसका वो सॉल्यूशन ज्यादा निकाल सकता है। और हमारी तरफ से जितने भी अभी जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जितने भी हमारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, बस हमारी शुभकामनाएं हैं उनके साथ। बस आप तैयारी करो पूरी जुनून के साथ, थोड़ी सी आस्था, थोड़ी सी विश्वास, लेकिन टेक्स्ट बुक हमेशा भिन्न भिन्न तरह की किताबें पढ़ो। बहुत सारी किताब पढ़ने के बाद आपको सॉल्यूशन मिलेगा। और कोचिंग संस्थान, जो बड़े बड़े कोचिंग संस्थान है, उनसे मार्गदर्शन ले सकते हैं लेकिन ये भी कोई जरूरी नहीं कि वहां बिना जाए हम सक्सेस हो सकते, मतलब सक्सेस सफलता मिल ही नहीं सकती है, ऐसा भी बात नहीं है। हमारी तरफ से सबको शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, आपने सर बताया। अभी बहुत सारे प्रश्न भी हैं हमारे स्टूडेंट्स के जो एक एक करके हम लोग रखेंगे। उससे पहले हम नीतीश जी को रिक्वेस्ट करेंगे कि नीतीश जी, क्योंकि आपसे मुलाकात तो नीतीश जी के थ्रू ही हुई है, तो नीतीश जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि नीतीश जी आप सर के बारे में सारे स्टूडेंट्स को आप अच्छे से बताएं, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन सेशन स्टार्ट करेंगे सर के साथ। अनम्यूट कर लीजिए नीतीश जी। धन्यवाद एवरीवन। कहते हैं सर के लिए सर स्वागत है आपका एकेडमी चैनल पर। तो मैं दो लाइन सारियों से कहता हूं कि आज आए हैं तो खुशी का एक गीत गाइए, आज आए हैं तो खुशी का एक गीत गाइए, अंधियारों के शहर में उजाला फैलाकर जाइए, मन का कोना कोना रोशन हो जाए, मन का कोना कोना रोशन हो जाए, रहनुमाई भरी कोई ऐसी बात बताकर जाइए, कोई ऐसी बात बताकर जाइए। अभिनंदन है, स्वागत है करतल ध्वनियों के साथ सर। पुनः हम आपके इस संध्या वेला में अपने भावी एवं आने वाले भारत के कर्णधारों के साथ। सर मैं बता दूं आप सबों को, सर भागलपुर बरारी के रहने वाले हैं। सर का एक जीवन काफी संघर्षपूर्ण रहा है। सर वर्तमान में नालंदा
बिहार शरीफ में प्रोविडेंट फंड ऑफिसर पर कार्यरत है। साथ ही साथ सर ने अपने जीवन काल के दौरान बहुत सारी प्रेरक उनके जीवन में घटनाएं घटी है, काफी उन्होंने सकारात्मक बात जो सर बताई उन्होंने करके चरितार्थ कर दिए हैं। और सौभाग्य मेरा है कि बचपन के दिनों में मुझे सर से शिक्षा ग्रहण भी करने का अवसर मिला है। तो सर बहुत बहुत स्वागत है, कहते हैं सर की जुबानी, आइए सुनते हैं। सर स्वागत है आपका पुनः एक बार। हाँ हेलो, धन्यवाद सर। अब क्वेश्चन सेशन तो स्टार्ट करते हैं, एक एक करके हमारे क्वेश्चन सेशन होगा सर, आप उनका मार्गदर्शन करेंगे। तो सर मैं यहाँ पे आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रखूंगी, बट सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी, आपने जितने भी बातें कही यहाँ पे बिल्कुल वो मतलब एक टच, मतलब जो एक इमोशनल टच होता है वो उस चीज को महसूस किया है यहाँ हम सब ने। तो अब आपके एक्सपीरियंस को, आपके ज्ञान को बस अब हम लोग कुछ आपसे सीखना चाहते हैं। तो बस हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका कुछ क्वेश्चन है, जो आप उनके बारे में जरूर कुछ अपने स्तर पे बताइए। तो पहला सवाल है अमन कुमार यादव जो कि बिहार से हैं, तो उनका पूछना है कि वो अपनी स्ट्रेटेजी क्या रखें प्रिपरेशन की, और जो कंफ्यूजन है उनका मीडियम को लेकर के है, जैसे वो पहले हिंदी मीडियम से थे तो उनको क्या लैंग्वेज प्रेफर करना चाहिए, एंड क्या सोर्सेज हैं, तो वो मतलब क्या क्या सोर्सेज को वो प्रेफर करें, तो इनके बारे में उनका पूछना है। तो आप इसके बारे में बताइए। अमन जी सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, और ये बता देना चाहता हूँ कि भाषा कोई भी हो, हिंदी हो या इंग्लिश हो या अन्य कोई भी भारतीय भाषा हो, बस ये आप कितना जानते हो उसमें, कितना आप कितना जानते हैं और सब्जेक्ट पे आपकी कितनी पकड़ है, ये सबसे बड़ा मायने रखता है। भाषा आप हिंदी भी रख सकते हैं, हिंदी भाषी है आप, हिंदी का अच्छा नॉलेज है, हिंदी में सारी चीज का अध्ययन अच्छा से कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से आप हिंदी रख सकते हैं। यदि इंग्लिश भाषा में आप पूरी शिक्षा दीक्षा बचपन से ही शिक्षा दीक्षा आपकी इंग्लिश रही है तो इंग्लिश रख सकते हैं, और कौन सा सब्जेक्ट रखना है ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस सब्जेक्ट पे सबसे ज्यादा पकड़ है, कौन ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आप सबसे ज्यादा डील कर सकते हैं, ज्यादा लगता है क्या कि इस सब्जेक्ट में और अंतर गहराई तक हम जाएं तो अच्छा हम बना सकते हैं, यही है। और आप अपना खुद थोड़ा सा इसमें ओपिनियन ले सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन है अमन कुमार जी का कि जीएस का कितना मिनिमम स्कोर ले, मतलब मिनिमम स्कोर लेकर के हैं कि उनका रैंकिंग जो है वो 200 के अंदर हो जाए, मतलब ऑप्शनल पेपर को छोड़ करके। ऑप्शनल पेपर जो है, देखिए ऑप्शनल पेपर जीएस जनरल स्टडीज के, जनरल स्टडीज में आप देखिए स्कोर तो आपका उस पर डिपेंड करता है कि कितना स्टूडेंट आया, कितना आपका कट ऑफ मार्क्स आया रखा जाएगा, प्रत्येक वर्ष कट ऑफ मार्क्स में चेंजिंग होता है। आज ज्यादातर आज के जो दौर में क्या हो गया, आज के दौर में प्रतिभागी का जो है ज्यादा से ज्यादा संख्या हो गया, प्रतियोगिता ज्यादा ज्यादा से ज्यादा अंगों पर होता है। अब कट ऑफ मार्क्स में यदि अगर हम 80 प्लस रख के चलते हैं तो अच्छा, एक कम से कम एक संभावना बनी रहती है कि 80 प्लस और 90 के बीच में ही कट ऑफ मार्क्स अक्सर देखा जाता है। और ठीक है, आप ओके, दूसरा प्रश्न। थैंक यू सर आपके जवाब से बिल्कुल सेटिस्फाई हो गए होंगे। अब मैं दूसरा क्वेश्चन में पुट करना चाहती हूँ अक्षय जी का, जो कि हरियाणा से बिलोंग करते हैं। तो उनका सवाल है कि आपके लाइफ में ऐसा कौन सा सबसे लो पॉइंट आया जहाँ पे अपने आपको अपने मतलब मोटिवेट किया और अपने आगे की जर्नी को कंटिन्यू किया, और कैसे अपने आप को इंस्पायर किया जो कि हम लोग करें और उस चीज को फिर मतलब हम लोग भी उस सेम डायरेक्शन में जाए, अपने आप को मोटिवेट रख सके इस स्टेज में, इस जर्नी में। चलिए
मैं जो था, मैं कोई बड़ा परिवार से बिलोंग नहीं करता था और मैं एक सीधा साधा, क्या कहते हैं, एक नी मतलब कि एक जनरल परिवार से आता हूँ और मेरी शिक्षा दीक्षा जो प्राथमिक शिक्षा हुई वो सरकारी शिक्षा मिली है और उस समय जो परिस्थितियां थी वो हमारे पास विपरीत परिस्थितियां थी, जो हम कभी यह अपने आप को कभी जुनून में कम नहीं रखे, जुनून हमेशा हमारे पास था, हमारे पास साधन सीमित था, साधन तो इतना हम करते हैं तो उसमें ये रखा जाता है, इच्छा होता है, आवश्यकता होता है, इच्छा और आवश्यकता हमारे हो गई, आवश्यकता तभी बनती है जब इच्छा को पूर्ति करने के लिए हमारे पास पर्याप्त साधन हो, और जब पर्याप्त साधन नहीं है तब ऐसी परिस्थिति में हम क्या करते हैं, उसका चुनाव करते हैं प्राथमिकता के आधार पर, क्या किस चीज को हम पहले पूर्ति करें जो हमारे लिए अनिवार्य आवश्यकता की पूर्ति होना चाहिए पहले, तो इसी में चयन करना पड़ता है और सीमित साधन में यदि अगर हम आवश्यकता की पूर्ति करना चाहते हैं तो उसमें हमारा मेहनत थोड़ा सा ज्यादा लगता है लेकिन हमको सफलता जरूर मिलती है, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, थोड़ा अपने आप को फेथ बढ़ाना पड़ता है, अपने विश्वास को गहरा करना पड़ता है, थोड़ा सा प्रयास ज्यादा करना पड़ता है, थोड़ी सी आस्था रखनी पड़ती है, विश्वास ये हमेशा हम क्लास में भी आज भी ये बोल रहे हैं और पहले भी जब हम क्लास लेते थे नीतीश को क्लास लेते थे उस समय भी ये बताते थे कि थोड़ी सी आस्था, थोड़ा सा विश्वास, बस विश्वास रखो सफलता निश्चित मिलेगी। ओके, दूसरा प्रश्न। यस सर, ये तो बात सही है सर। अब सर मैं बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका रिस्पांस के लिए, उनको इस चीज का जवाब मिल गया होगा और इससे काफी वो इंस्पायर भी हुए होंगे, इवन वो क्या हम सारे को इंस्पायर हो रहे हैं इन सारी चीजें से। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन मैं शिव दयाल ओझा जी का लेना चाहती हूँ। जैसे कभी कभी हमारे लाइफ में क्या होता है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस आती हैं जिसमें हम लोग पार्शियल बिहेवियर करते हैं। जैसे एग्जाम्पल अभी ले सकते हैं, जैसे फार्म प्रोटेस्ट चल रहा है तो काफी लोगों का भी यहाँ पे मतलब यू होगा कि नहीं वो लोग सही हैं, गवर्नमेंट गलत है, कुछ लोग कह रहे होंगे कि गवर्नमेंट सही है, फार्मर्स गलत हैं, तो जो इम्पार्शियल जो मतलब जो बायसेस जो पार्शियल बिहेवियर यहाँ पे है, तो इस चीज को कैसे मतलब हम लोग मैनेज करें कि हम लोग एक इंडिपेंडेंट थॉट को अपने दिमाग में डेवलप कर सके और सही दिशा में सही चीज को सोच सके। देखिए जहां तक ये अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन के बारे में किसानों का जो तर्क दिया जा रहा है और जो सरकार की तरफ से तर्क दिया जा रहा है उसमें अब हम मेरी ये पर्सनल ओपिनियन है, मेरी पर्सनल राय है ये, और चूंकि मैं सरकारी नुमाइंदा हूँ और सरकारी नौकरशाह होने के नाते मैं सरकार के खिलाफ भी नहीं बोल सकता हूँ, और चूंकि किसानों का जो तर्क दिया जा रहा है वो भी अपने आप में एक उसका भी जो उसमें जो जुड़े हुए हैं वो बहुत बड़े बड़े जो एनालिसिस सब जुड़े हुए हैं, तो उनका भी तर्क अपने जगह सही है और सरकार जो बना रही है ये इसके उसके संबंध में भी जो जो बनाया गया है किसान के लिए कानून वो भी कुछ समझ करके कुछ बड़े बड़े एनालिसिस मिल करके बनाए हैं, तो वो भी अपने जगह सही है। अब ये देखना है कि किस तरह इम्प्लीमेंट हो और कैसे किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। जब हम एक बात कहते हैं कि जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो उस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब से एक प्रश्न किया गया था कि क्या आपने जो ये संविधान जो बनाया, जो संविधान की रचना की किया गया है, क्या भविष्य में इसका क्या इम्प्लीमेंट कैसा रहेगा, क्या भारतवर्ष इतने बड़े भारतवर्ष है इसके लिए सही रहेगा या गलत रहेगा। उन्होंने एक चीज सही एक शब्दों एक लाइन में जवाब दिया था कि संविधान कोई भी संविधान या कोई भी हम नियम या कायदा कानून बनाते हैं तो अब निर्भर करता है कि उसको कैसे लागू किया जाए, किसके द्वारा लागू, जिसके द्वारा लागू हो रहा है वो उसका इम्प्लीमेंटेशन मतलब वो लागू करने पर निर्भर करता है, तो अच्छा बुरा जो आने के बाद परिणाम आने के बाद ही इस पर निर्णय लिया जा सकता है। इस पर पूरी तरह अभी निर्णय लेना हमको लगता है क्या कि दोनों अपने जगह जगह पे सही।
ओके सर, थैंक यू. नेक्स्ट क्वेश्चन शिवदयाल जी का ही है. जैसे कभी कभी कुछ डिबेट्स लोग करते हैं, हमारा उसमें नॉलेज नहीं होता है, हमारा अवेयरनेस नहीं है उसमें, फिर भी हम लोग उस डिबेट में कूद पड़ते हैं. तो जैसे कभी कोई फ्रेंड्स में कुछ डिस्कशन हो रहा, लाइक पॉलिटिकल पॉलिटिक्स पे अगर डिबेट हो रहा हो, तो उसमें क्या होता है कि जैसे अनयूजुअल डिस्टर्बेंस हो जाता है, रिलेशंस खराब हो जाते हैं, तो इस चीज को कैसे अवॉइड किया जाए? डिबेट्स, अब देखिए, एक डिबेट्स होता है कि जो हम टीवी पे डिबेट्स कर रहे हैं, एक डिबेट्स हो गया कि क्लास में डिबेट्स कर रहे हैं, या आज के में सोशल मीडिया के जमाने में जूम्स के माध्यम से भी डिबेट करते हैं, या अन्य कोई भी प्लेटफॉर्म है जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, या अन्य कहीं चाय की दुकान में भी डिबेट होता है. तो उसका स्तर देखा जाएगा कि किस स्तर का डिबेट है, डिबेट में कौन कौन से पार्टिसिपेट कर रहा है, उसके आधार पर अब कुछ कुछ हद तक आज के दिन में हम टीवी डिबेट्स को भी देखते हैं और सोशल मीडिया के भी डिबेट्स को देखते हैं, तो बहुत लोगों को जानकारी, उस चीज की जानकारी रहती ही नहीं है और उस चीज के बारे में वो ओपिनियन अपना डालता है. तो इसमें लगता है कि जब तक वो पूरी तरह स्टडी पूरा नहीं कर ले और उस पे ओपिनियन डालना, ये अच्छा नहीं, ये अच्छा प्रोसेस भी नहीं है और अच्छा लगता भी नहीं है. इसलिए पूरी तरह उस पर स्टडी करना चाहिए. जैसे कि अभी आपने प्रश्न किया कि जो है किसान का आंदोलन कहाँ तक है और सरकार के कहाँ तक है, क्योंकि चूंकि इस पर हम पूरी तरह उसमें गहराई पूरी तरह हम ना एनालिसिस है ना उसका इसका अध्ययन हमने किया है, तो उसके बारे में पूरी तरह नहीं कह सकते हैं कि परिणाम आने के पश्चात ही उसका देखा जा सकता है कि कैसा क्या हो सकता है. हो सकता है दोनों तर्क सही हो या कुछ सुधार की आवश्यकता हो. जी थैंक यू सर. होप सो कि शिवदयाल जी को उनके जवाब मिले होंगे. और मैं दूसरा सवाल लेती हूँ जो कि वरुण कुमार जी का है, झारखंड के हैं. हम लोग अपने स्टडीज के दौरान मतलब कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें, एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अभी हमारा फोन, मोबाइल फोन इतना काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्शन डिस्टरबेंस क्रिएट करता है, बट अभी सारी चीजें ऑनलाइन चल रही हैं, सारे कुछ हमें फोन से ही करना होता है, तो इस चीजों को कैसे मैनेज करें अभी? कोई चीज का भी जब आविष्कार होता है तो उसके दो पहलू होते हैं, एक सकारात्मक एक नकारात्मक पहलू होता है. तो मोबाइल जो है ज्यादा मोबाइल से सारा कार्य हो रहा है. आज हम ये डिबेट भी कर रहे हैं तो मोबाइल से ही कर रहे हैं. और अब ज्यादातर यूज अभी तो कोरोना काल में पूरा मोबाइल का यूज पूरा हुआ, बच्चे बच्चे भी यूज कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन कोई भी डिबेट्स कर रहे हैं, ऑनलाइन अपना सबमिट करते हैं सर, कोई भी थेसिस वगैरह भी सबमिट किया जा रहा है. अब तो ये हो गया कि डिपार्टमेंट की हर मीटिंग भी जूम के माध्यम से ऑनलाइन हो रहा है. तो इसका तो महत्व तो है ही, एकदम बहुत ज्यादा महत्व है. अब कुछ उसका दुरुपयोग भी, यदि उसको दुरुपयोग, अब हम कहते ना कि कोई भी आदमी या कोई भी आविष्कार में यदि पॉजिटिव है तो निगेटिव है ही. अब निगेटिव को हम छोड़ दें, पॉजिटिव को केवल ले तो बस ठीक है. कोई आदमी का यदि ये कहता है ना कि वो आदमी खराब है, तो मैं कभी ये मानता ही नहीं कि वो आदमी खराब हो सकता है. यदि अगर आदमी है तो उसमें निगेटिव पॉजिटिव होगा ही, निश्चित होगा. यदि अगर उसकी 20% निगेटिव है, 80% पॉजिटिव है, तो बहुत लोगों का नजरिया, अब आदमी का नजरिया होना चाहिए कि हम 80% देखें या 20% देखें. तो 20% कोई कोई नजरिया होता है, उनकी मेंसिरिया होती है कि वो सोच की उनके सोच पर डिपेंड करता है कि वो 20% देखें. और हमारी सोच यह रहती है कि 80% देख ले तो वो 20% उसका लॉक हो जाएगा. हम पॉजिटिव देखते हैं, हम सकारात्मक पहलू को क्यों ना देखें, हम नकारात्मक पहलू को क्यों देखें. यस सर. इनका दूसरा सवाल है कि कंसिस्टेंसी, जैसे हम लोग कोई चीज को मतलब कैसे मेंटेन करें कि हम लोग रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं उस चीज को, ऐसा नहीं कि आज पढ़े फिर कल छोड़ दिए, दो दिन पढ़ रहे हैं फिर कुछ दिन गैप कर दे रहे, इस चीज को कैसे मेंटेन करें कि रेगुलर इस चीज को कंटिन्यू रखें. ये बहुत बड़ा चीज है, खास करके जो कमीशन के स्टूडेंट है, जो सिविल सेवा की परीक्षा
के अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो उसको रेगुलर रखना होगा। रेगुलर मतलब ये हो गया क्या कि आप इसको रूटीन बना लो, रूटीन बना लो कि आपको सुबह कितने बजे उठना है, या आप ये नहीं कि सुबह ही उठना है, आप नहीं उठो, आप 8 बजे उठो, 8-9 बजे उठो, लेकिन 9 बजे से आपको कंटिन्यू रूटीन बनाना होगा कि 9 बजे से लेकर के यदि हम ब्रेकफास्ट लेकर के हम 9 से 12 तक बैठते हैं, 12 से 1 बजे तक वो पीरियड रखते हैं ये भोजन के करने के पश्चात जो है उसके बाद जो है वो पीरियड रहेगा 3 से 4 से 5 से, क्या हमको कौन सा स्टडी करना है वो एकदम रूटीन वाइज 6 बजे से 7 बजे तक हमको किसी से बात करना है या बाहर घूमना है या छत पे घूमना है, टहलना है, वॉकिंग करना, मतलब ये चीज रख लो। उसके बाद 9 बजे तक हम स्टडी में लगे, 9 बजे के बाद फिर खाना पे अपना गप करना है या मार्केट जाना है, कुछ भी करना है, तो ये आपको रूटीन तो बनाना होगा। रात 2 बजे सोइए या आप जो है 10 बजे सोइए तो आप 6 बजे मेंटेन कीजिए, 5 बजे सुबह मेंटेन कीजिए, या आप 2 बजे सोते हैं तो आप 8 बजे मेंटेन कीजिए। ये 24 घंटा का आपको रूटीन बनाना होगा, कितना देर सोना है, कितना देर खाना है, कितना देर पढ़ना है, लेकिन ये रेगुलर होना चाहिए। रेगुलर नहीं होगा तो आपका कंटिन्यूटी नहीं होगा तो वो आप माइंड सेटअप फिर नहीं हो सकेगा, तब थोड़ा सा परेशानी आ जाएगी। थैंक यू सर। अब मैं अगला सवाल लेना चाहूंगी कुलविंदर कौर जो कि पंजाब की हैं, और उनका पहला सवाल है कि वो किस लेवल की प्रिपरेशन मतलब करे कि प्रीलिम्स को हम लोग अटेम्प्ट करें और उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करें। ये बहुत अच्छा सवाल है कि किस तरीका से वो ले प्रीलिम्स करने के लिए। देखिए सबसे पहली बात तो है कि प्रीलिम्स में सभी विषयों का अध्ययन एकदम समान रूप से होना चाहिए, खास करके जो आपका ये हिस्ट्री से संबंधित है, ज्योग्राफी है, सोशल मतलब कि ये साइंस पोर्शन का जो क्वेश्चन है वो उसका लेते हुए, खास करके जो ये सामान्य ज्ञान से संबंधित है, करेंट अफेयर से संबंधित है, जो समसामयिकी जिसको बोलते हैं हिंदी और करंट अफेयर्स, तो ये चीज को एक रूटीन वाइज में, और पत्रिका कोई 2-3 पत्रिका तो हमें पढ़ना ही चाहिए, 2-3 पत्रिका जो 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 राष्ट्रीय लेवल की पत्रिका है जिसमें कमीशन के लिए, खास करके सिविल सेवा परीक्षा के लिए जो प्रतियोगिता जैसे प्रतियोगिता दर्पण है और भी बहुत सारे आते हैं प्रतियोगिता, उनका भी ले, और टेक्स्ट बुक में भी, और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का ज्यादा इस्तेमाल करें, तो वो जो है आप में पकड़ आ जाएगा धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई, जितना आप स्टडी कीजिएगा उतना कॉन्फिडेंस लेवल हाई होते जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा तो निश्चित रूप से आपको और पढ़ने में गहराई जाने में मन लगेगा, और गहराई जाते जाते आप खुद समझ जाओगे कि हम कितना है, हमारे अंदर कितना शक्ति है, हम कितना अपने आप आकिए फिर वो लीजिए, पेपर लीजिए, उसके बाद बनाइए जो है एक क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, अपने आप बनाइए, सॉल्व कीजिए, या 10 स्टूडेंट या 6 स्टूडेंट मिल करके एक कॉमन एक डिबेट टाइप का, यानी डिबेट नहीं उसको क्या कह सकते हैं, क्वेश्चन एराइज मतलब कि आपस में कीजिए, ग्रुप डिस्कशन कीजिए वो, उसके बाद मार्क्स रखिए, उसमें मार्क्स आएगा, अच्छा जिसको ज्यादा मार्क्स आता है कल वो विनर वो रहेगा, वो क्वेश्चन बनाएगा, वो सबसे पूछेगा, तो ये निश्चित आपको खुद अपने आप में आंकना हो जाएगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, निश्चित आप फर्स्ट अटेम्प्ट में निश्चित सफलता प्राप्त कर सकते। ओके सर, मैं दूसरा सवाल लेना चाहती हूँ जो कि कुलविंदर कौर जी का है पंजाब से जो है, एंड दूसरा अमन जायसवाल, दोनों का सेम क्वेश्चन है। कभी कभी सिचुएशंस आती है जिसमें हमारे सीनियर्स को, मिनिस्टर्स को, और हम मतलब जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है कि हमें उन्हें कन्विंस भी करना है कि हम लोग वीकर सेक्शन की तरफ काम करना चाहते हैं, उस टाइम पे वो डेवलपमेंट का सोच रहे होंगे, तो उस वक्त हमको अपने सीनियर्स को, मिनिस्टर्स को कन्विंस भी करना है, तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करें कि इस चीज को हैंडल कैसे करें, या गिव अप कर दें, या फिर अपना जो मोरल्स है उसको भूल जाएं, या फिर जो सीनियर्स कह रहे हैं वो सुने, इस चीज को हैंडल कैसे करें। प्रश्न एक बार दोहराएंगे आप।
सर जैसे कभी कभी कोई सिचुएशन आता है जैसे वीकर सेक्शन, हम लोग अगर सिविल सर्वेंट जो लोग होते हैं पहले सोचते हैं कि नहीं मुझे वीकर सेक्शन से जो गरीब हैं हमें उनकी मदद करनी करनी है, तो बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आ जाती हैं जबकि जूनियर्स और जो सीनियर्स होते हैं और मिनिस्टर्स के बीच में मतलब कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, कुछ विवाद हो जाता है, तो उस वक्त पे हम लोग कैसे कन्विंस करें अपने सुपीरियर्स को और जो सीनियर्स हैं हमारे जो मिनिस्टर्स हैं उस उनको कैसे कन्विंस करें या फिर उस सिचुएशन को गिव अप कर दें या फिर छोड़ दें उस चीज को, इस सिचुएशन को कैसे मैनेज करें? देखिए यह बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा ही प्रश्न इसका हमको लगता है कि ये सभी को जानना चाहिए, खास करके जो सिविल सर्वेंट है, जो नौकरशाह है, उनके लिए बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हमेशा आती है, बार बार आती है कि हम कुछ करना चाहते हैं, हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो कि जो गरीबी जो बिकर सेक्शन है उसको लाभान्वित हो। तो अब अंतिम इकाई होती है जो प्रशासन की अंतिम इकाई होती है प्रखंड कार्यालय, प्रखंड कार्यालय के माध्यम से हम उसको कार्यान्वयन यानी लागू करवाते हैं, लागू कराने का काम करते हैं। ऐसी कई कई बार ऐसी परिस्थितियां आती है कि हम चाहते हैं लेकिन हमारे सीनियर को उसमें इंटरेस्ट नहीं है या हमारे पॉलिटिशियन को उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो हम उसको सुझाव के तौर पर देते तो हैं अवश्य। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे सुझाव को दरकिनार कर दिया जाता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी कभी कभी होता है, लेकिन हम सुझाव देते हैं और कभी उनको प्रयास करते हैं कि हम उसको मोटिवेट कर लें कि नहीं ये ऐसा करने से ऐसा अच्छा हो सकता है, अच्छा हो सकता है, उनके परिणाम के बारे में थोड़ा सा बताते हैं, लेकिन फिर भी नहीं होता है तो उसको आगे तक लिखते हैं, लिखने का काम करते हैं और जैसा निर्देश मिलता है। और एक चीज हमेशा यह देखना पड़ता है नौकरशाह को भी, हमेशा बॉस इज ऑलवेज राइट, बॉस इज ऑलवेज राइट, तो बॉस का कहना भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं और अपनी बातों को मनवाने के लिए अनुचित तरीका भी नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोशिश यही रहती है कि एक ऐसा समन्वय आप स्थापित करें, ऐसा मोटिवेशन का समन्वय स्थापित करें कि हमारी बातों को भी माना जाए और वो लागू भी हो जाए। ये चीज परिस्थिति के अनुसार से जैसा परिस्थिति रहता है वैसा काम करना पड़ता है। थैंक यू सर। मैं अगला सवाल लेना चाहूंगी जो कि आशीष जी का है, बिहार के हैं, वो वर्किंग प्रोफेशनल हैं, उनका जॉब शिफ्ट वाइज होता है, कभी डे नाइट डे शिफ्ट होता है, कभी नाइट शिफ्ट होता है, कभी कभी 12 to 16 आवर्स का शिफ्ट होता है, तो उसमें उनका पढ़ाई का कैसे मैनेजमेंट करें उस केस में, और उनको एग्जाम भी देना है, एग्जाम का प्रेशर है, तो इस सिचुएशन को कैसे मैनेज करें कि जॉब भी करना है, अपना पढ़ाई पे भी ध्यान देना है एंड एग्जाम को क्लियर भी करना है। ये भी बहुत अच्छा रोचक मतलब कि अच्छा प्रश्न है और इसमें कई 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 बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट तैयारी करते हैं सिविल सर्विस की और वो कभी न कभी कोई एसएससी या क्लर्क के लेवल के मतलब एग्जाम को पास करता है, फेस करता है और उसमें अपना योगदान भी देता है। योगदान के पश्चात जब कार्यालय में आता है काम करना प्रारंभ करता है, काम करने के बाद वो टाइम उसको ये मैनेजमेंट वो मैनेजमेंट करना होगा कि कार्यालय का कार्य करते हुए भी हम जतिगत उसका तैयारी जारी रखें कैसे रखना होगा। तो उसके लिए उसको पहली बात तो कि उसको एक कार्यालय का काम में एक रखना होगा कि हम कार्यालय का काम इतना इतना जल्दी सॉर्ट आउट कर दें कि हमको ऊपर वाले सुपीरियर ऑफिसर भी खुश रहे हमसे, और खुश रहे तो हमको टाइम मतलब कुछ टाइम पहले हमको छोड़ भी सकते हैं या परीक्षा के समय जो है कुछ उनको रिलीफ दिया जाए, रिलीफ देने का काम करता है। तो उसको मैनेजमेंट खुद अपना बनाना होगा और इस तरीका से बहुत ऐसे स्टूडेंट है जो कि कई कई कार्यालयों में काम करते हुए भी सिविल सेवा की परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ है और अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण हुआ है, अच्छे मार्क्स से पास किया, अच्छे पोजिशन हासिल किया। हेलो थैंक यू सर। ओके सर आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। थैंक यू सर, बिल्कुल वो अपने आपके ओके सर बिल्कुल आपके जवाब से वो मतलब सेटिस्फाई हो गए होंगे, उनको क्या करना है उनको एक डायरेक्शन मिल गया होगा कि कैसे क्या करेंगे।
अब मैं अगला सवाल लेना चाहूंगी अंकित जो कि बिहार के हैं, उनका हाँ। सवाल ये है कि इंटरव्यू का जो प्रिपरेशन है उसका बेस्ट टाइम कब से है? हम लोग क्या साथ में प्रिपेयर करें या फिर मेंस के बाद करें या फिर प्री के बाद करें या अभी से ही करें? इंटरव्यू का जो है वो अब आप जो है प्रीलिम्स होता है, उसके बाद जो है जो आप खुद जब आप मेंस लिखेंगे तो मेंस लिखने के पश्चात आप खुद आकलन कर लेंगे कि मेंस में हमको कितना नंबर आ सकता है और हमारा सफलता, मतलब जब आप आशान्वित रहेंगे कि हमारी सफलता इसमें मिल सकती है, आसान में तो एकदम जब आप मेंस लिखने के पश्चात ही कोई भी अच्छा जो कंपटीटर होगा वो मेंस लिखेगा उसके पश्चात ही वो आसान्वित हो जाएगा कि हमारा सफलता होगा इसमें, निश्चित होगा। तो वहीं से प्रारंभ कर दे कि इंटरव्यू जो है किस प्रकार से कैसे क्या करना चाहिए, और जैसे जो भी सक्सेसर है जो पहले सक्सेस हो चुका है उनसे बातचीत करे, उनका जो अनुभव है उससे अनुभव अपने शेयर करें, मतलब अनुभव ले, उनका अनुभव ले, उनका अनुभव का लाभ उठावे, और जो भी वहां पर अधिकतर अच्छे कोचिंग संस्थान है कोचिंग संस्थान में उनका भी मार्गदर्शन प्राप्त करें, अपने जो टीचर्स हैं जो जिसके मतलब के अंडर में वो तैयारी कर रहे हैं उनका भी मार्गदर्शन ले, और सबसे ज्यादा होगा क्या कि जो सक्सेसर है उनसे उनका अनुभव लेकर के अपनी तैयारी करें इंटरव्यू के, वो सबसे ज्यादा अहमियत होगा, सबसे ज्यादा वो काम करेगा। और जो सब्जेक्ट आपका है जो ऑनर्स का सब्जेक्ट है जिससे आप पास किए हैं, जो विषय आप रखे हैं बीपीएससी में या यूपीएससी में या कोई भी अदर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में, उसका पूरी तरह अपने जो है पकड़ उसको रखे, उस पर पूरी तरह अध्ययन कर ले, और जिस सेवा में जाना चाहते हैं उस सेवा का थोड़ा बहुत अनुभव उनसे ले ले, बस यही करना है और ज्यादा कुछ तो करना नहीं है, बस सबसे पहले प्रीलिम्स आप अच्छी तरीके से निकालिए, उसके बाद एंस निकालिए, मतलब मेंस की तैयारी पर ही डिपेंड करता है कि इंटरव्यू कैसा होगा, क्या इसे जाना है, क्या करना है, अपने आप जब आप मेंस करते हैं ना अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और इंटरव्यू की तैयारी कैसे स्वयं अपने ही आगे बढ़ते जाएंगे, रास्ता खुलते जाएगा। ओके, थैंक यू सर। अब मैं अगला सवाल लेना चाहूंगी मुस्कान खान की एमपी, हम सभी जानते हैं ना एक दो क्लासेस होंगी, एक दो घंटे की क्लासेस होती हैं, उसके बाद बाकी सारी क्लासेस जो हैं मतलब दिन भर वेस्ट हो जाता है, वो तो दिन भर वेस्ट हो जाता है, कॉलेज भी जाना कंपलसरी है, नहीं जाने से भी काम नहीं चलेगा, तो इस सिचुएशन में अपने स्टडीज को एंड कॉलेज को कैसे मेंटेन करें, कैसे मैनेज करें? इस बीच आपका लिंक थोड़ा बाधित हो गया, प्रश्न दोहराएंगे, आवाज स्पष्ट नहीं आ रही थी। ओके सर, मैं रिपीट करती हूँ। मुस्कान खान जी का क्वेश्चन है जो कि एमपी की हैं, उनका कहना है जैसे वो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ती हैं, तो हम सभी जानते हैं गवर्नमेंट कॉलेज की क्या हालात हैं अभी के टाइम पे, एक दो क्लासेस होती हैं, एक दो घंटे की, दिन भर हमें वहाँ पे अपना टाइम बिताना पड़ता है, तो हमारा जो दिन भर का टाइम होता है वहाँ पे वो बर्बाद हो जाता है, तो इस सिचुएशन में हम लोग अपने प्रिपरेशन को किस वे में करें कि हमारा टाइम भी बर्बाद ना हो और कॉलेज भी फिर सही से चल सके? ठीक है, ये भी प्रश्न अच्छा है, और सबसे पहली बात तो देखिए गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज, देखिए कहीं न कहीं से सबको आज प्राइवेट कॉलेज की संख्या ज्यादा बढ़ी है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज से ही सबको पढ़ाई किया है, पहले जितना भी देखा जाए जो भी ग्रेट माइंड बना है गवर्नमेंट कॉलेज से, तो उसको हम ये इग्नोर नहीं करेंगे कि गवर्नमेंट कॉलेज है, कई गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत अच्छे अच्छे टीचर भी है, अच्छे अच्छे ट्यूटर भी है। ठीक है, अब ये देखना है कि हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो,
टाइम वेस्ट नहीं हो तो वहां से जो भी आपका लेक्चरर है तो आप उसमें भाग लें, अच्छा लेक्चरर मिल रहा है भाग लें, अन्यथा वहां से आप वहां का क्लास करने के पश्चात तुरंत आप घर आ जाए, घर में अपनी स्टडी का जो आपने रूटीन बनाया है रूटीन वे में आप स्टडी करना प्रारंभ कर दें, और कॉलेज को इग्नोर भी नहीं करना, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो। गवर्नमेंट कॉलेज में भी कई बहुत अच्छे अच्छे शिक्षक हुआ करते थे। जब हम तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में हम जब पढ़ाई कर रहे थे तो हमको बहुत रुचि होता था कि अच्छे अच्छे प्राध्यापकों के साथ बैठ करके उससे डिस्कस करना, उनके अनुभव को लेना, उन्होंने कैसे जो रिसर्च किया उस रिसर्च का अनुभव प्राप्त कर लेना। उस समय हुआ करते थे तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के भूतपूर्व कुलपति और पटना विश्वविद्यालय के भूतपूर्व कुलपति डॉक्टर एम के तौहीद के पास बूढ़े हो गए थे, लेकिन लगता था कि एक लगता था ना कि जैसे हम लोग बहुत गरीबी में पले और उस गरीबी में पलते हुए तो हमारे पास साधन ज्यादा नहीं था, उनके पास जाके बैठते थे तो लगता था कि बहुत बड़े आदमी है, उनसे कुछ अनुभव लेना चाहिए, उनसे कुछ शेयर कर, उनका जो अनुभव है हम अपने जीवन में उतारे कि वो जो किस उस मुकाम तक कैसे पहुंचे, उस मुकाम तक पहुंचने में उनको क्या क्या परेशानियां आई, क्या क्या कठिनाइयां आई, उसके अनुभव को हम लेते थे, सुनते थे उनकी बातों को, और सचमुच में उनकी बातों को सुनने से मन में एक अजब सी शक्ति आती थी, इंटरनल स्ट्रेंथ बढ़ता था हमारा, और इंटरनल स्ट्रेंथ क्या कहते हैं एंथेसिस हमारे ये पॉजिटिव पावर को हमारा एंथेसिस करता था, उत्साहित करता था आगे बढ़ने के लिए, और खुद ब खुद मार्ग खुलते गया। ऐसे ही कई ऐसे उस समय भागलपुर विश्वविद्यालय में जो है कई ऐसे प्राध्यापक थे जिनका अनुभव मुझे प्राप्त हुआ, और आज उसी अनुभव को प्राप्त के आधार पर आज हम इस मुकाम पर हैं। आज हम जो चाहते हैं वो चीज प्राप्त होता है, लेकिन कल हमारे पास क्या स्थिति थी वो हमारे पुराने समय आप देखिएगा तो बहुत लगेगा नहीं कि ये लड़का कमीशन कम्पीट कर सकता था। लोगों का ये एटीट्यूड ये रहता है, हमेशा ये रहता है, लोग जाते हैं ना, लोग आपके पीछ पीछे हमेशा बोलेंगे, देखेंगे क्या करता है, देखेंगे, तो लोगों की सुनो बस, जवाब उसकी उसका जवाब देने के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर करो, आप खुद अपनी शक्ति को बढ़ाओ। हाँ देखेंगे तो दिखाएंगे, बस इतना मन में बोलना कि देखना है हमको दिखाना है, उसके लिए हमको थोड़ा सा आस्था थोड़ा सा मेहनत ज्यादा बढ़ाना होगा। यस आप थैंक यू। पहले की और अभी की स्थिति में काफी चेंजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेज ने काफी लोगों को आगे बढ़ाया है, खुल गए हैं जो कि प्रॉब्लम है, लेकिन उस चीज को ठीक किया जा सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर को, और बिल्कुल इन फ्यूचर हमें मौका मिले तो हम लोग उस चीज को जरूर करना चाहेंगे। अब मैं सर अगला सवाल वारी जी का जो कि एमपी की है, इंडिया में काफी गरीबी है, ठीक है, काफी ज्यादा मोर देन 60% लोग जो हैं काफी गरीब, उनको मिनिमम जो चीजें जरूरत है डेली की वो भी नसीब नहीं होती है, जैसे हमारा सबसे बेसिक चीज है रोटी कपड़ा मकान सभी जानते हैं, बट काफी लोग हैं जो उनको ये बेसिक चीजें भी हैं वो नहीं मिलती हैं, और जो अमीर लोग हैं बिल्कुल देख के इग्नोर करते हैं या फिर बिल्कुल ध्यान नहीं देना या सोचना भी नहीं, तो वो लोग ऐसा क्यों करते हैं? और मैं इसमें एक पॉइंट और जोड़ना चाहूंगी, जैसे कि एग्जैडमी है वो अभी वर्क कर रहा है जो कि अंडर प्रिविलेज जो कि गरीब सेक्शन का जो बच्चा लोग है उसको आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहा है, जो यूट्यूब क्लासेस हैं वहाँ पे जो भी सारे क्लासेस चलते हैं काफी क्लासेस सारी क्लासेस फ्री हैं, क्वेश्चन वगैरह पूरा का पूरा ऑप्शनल का तैयारी करवाया जा रहा है, और काफी सारी इनिशिएटिव्स है, जैसे एग्जैडमी जो हमारे प्रभास सर हैं जो यहाँ के डायरेक्टर हैं वो इतना सोच रहे हैं, तो बाकी लोग इस चीज को क्यों नहीं सोचते हैं? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है पूरे भारतवर्ष के लिए, और मैं बहुत बहुत
धन्यवाद करना चाहता हूँ आपको, आपके पूरे टीम को, कि ये सवाल उठा करके सचमुच में हमारे अंदर की शक्ति को आपने झकझोर दिया। वास्तव में मैंने इससे जूझा है, मैंने इस परेशानी को अपने क्या कहते करीबी से देखा। वास्तव में भारत में पॉवर्टी लाइन से नीचे जो गरीबी तक के आदमी हैं, जो विकर सक्षम के लोग हैं, जैसे अनुसूचित जाति के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग या अन्य कोई भी विकर सेक्शन में आते हैं, उनके लिए बहुत सोचने के लिए, उसके लिए बहुत तरीके सरकारी लुभावनी योजनाएं भी बनी। उनकी योजनाओं में कहीं पर सार्थक हुआ, कहीं पर निरर्थक हुआ। ऐसे बहुत ऐसे कम लोग हैं जो कि इस तरह का सार्थक सोच रखते हैं, और बहुत ऐसे भी लोग हैं जो कि ऐसा सार्थक सोच रखते हैं, और उनके सकारात्मक प्रयास से आज बहुत सारी चीज हो रही है उनके विकास के लिए, उनके सोच के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके मार्ग को प्रशस्त करने के लिए बहुत सारी संस्थाएं, आप इंडिविजुअल लोग और जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो भी आगे आ रहे हैं। यदि अगर हम लोगों का पूरी तरह देखिए, हम तो बोले ना कि समाज में सब तरह के लोग हैं, कोई सकारात्मक सोच रखता है, कोई नकारात्मक सोच रखता है, कोई 20% को देखेगा, कोई 80% को देखेगा, उनकी मेंस एरिया पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह का सोच। तो ज्यादा लोग का सोच नकारात्मक रहता है, सोच ज्यादा नकारात्मक रहता है, वरना तो आप जहाँ बैठे हुए हैं तो सबको तो वहां बैठ जाता है, सबको हमारे से सवाल करता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, सबको नहीं हो जा सकता है वहां पर। तो ये चीज कम ही लोगों में होता है, वो क्या कहते हैं उसमें जो एक जज्बा वाला जो होता है वो कम लोग होता है, लेकिन उस कम लोग के जरिए से ही उसके सफलता का जो प्लान बनता है उसमें कई लोग जुड़ जाते हैं। जैसे आप और आपकी टीम ने ये प्रयास किया है, इसके लिए पुनः मैं धन्यवाद दूंगा, और आपके टीम में बहुत सारे ऐसे लोग भी जुटेंगे जो कि आपका जो है मार्ग खुलता जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू सर। बिल्कुल, इस चीज को काफी लोग अभी पर्सनली एक्सपीरियंस करते हैं, तो इस चीज को ज्यादा महसूस किए होंगे अभी, वो हम सभी महसूस कर रहे हैं इस चीज को। अब मैं जहां तक ये सरकारी योजनाएं की बात है, सरकारी नुमाइंदे जिस तरीका से जैसे समाज में होता है कि कोई लोग अच्छी पूरी गहराई से लेता है, तो उसी प्रकार सरकारी नुमाइंदे कोई गहराई से लेता है, और कोई उसको एक ड्यूटी वे में, एकदम वे में लेता है कि हाँ ये इसको फुलफिल अप खाना पूर्ति होना है इसको, तो सबको नहीं ले सकता, सारे ऑफिसर्स भी ऐसे नहीं लेते हैं, लेकिन जो जो लेता है उनके प्रयास से उनके जो जो नहीं लेने वाला है वो भी जुट जाता है। ओके, थैंक यू सर। सर अब मैं अगला सवाल लेना चाहूंगी, मोनिका जी का, झारखंड की हैं वो। उनका सवाल ये, जैसे यूपीएससी का सिलेबस काफी ज्यादा ह्यूज, लाइक जैसे समुद्र जो होता है ना, बिल्कुल उस जैसा सिलेबस है, और हम लोग का जो डेली रूटीन है, हम लोग जो मतलब रोज रोज का होता है कि नहीं आज करते हैं, आज छोड़ते हैं, कल करेंगे, दो दिन बाद करेंगे, इस चीज को शेड्यूल में किस वे में हम लोग करें कि इस चीज को मतलब सही से यूटिलाइज करें, सारा सिलेबस भी कवर करें एंड एग्जाम को सही से फिर दे सके। सही, बहुत अच्छा प्रश्न। इस प्रश्न का हम ये जवाब दे सकते, मतलब कि ये इस प्रकार से दे सकते हैं कि जिस प्रकार समुद्र की गहराई को हम आंक नहीं सकते, उसी प्रकार जो जो अध्ययन का गहराई है, आप जितना जाइए अंदर, जितना जाइए अंदर उतना आपको गहराई, उसका गहराई का अंत नहीं मिलेगा। अब ये सवाल ये उठता है कि इतनी गहराई में, समुद्र जैसी गहराई में हम कैसे स्टडी करें, कैसे अध्ययन करें जो कि हमारी सफलता सुनिश्चित हो। तो इसके लिए ये करना होगा कि उस गहराई में, जितनी गहराई में जाते हैं, जितना एक सिलसिलेवार ढंग से,
एक जो जिस भी सब विषय का अध्ययन कर रहे हैं उसको एक सिलसिलेवार ढंग से बना लीजिए एक चार्ट कि किस किस चैप्टर चैप्टर वाइज बना लीजिए कि किस किस चैप्टर से विगत वर्षों में इसका एनालिसिस क्वेश्चंस अराइज हुआ है या अराइज होता रहा है, उस चैप्टर का ज्यादा से ज्यादा उसका स्टडी किया जाए। जैसे मान लिया जाए कि इंडियन पॉलिटी भारतीय राज व्यवस्था के बारे में जो है एक ऊपरी सतह से हम इसका डिस्क्राइब कर सकते हैं। भारतीय राज व्यवस्था उसमें सबसे पहले जो है राज व्यवस्था में क्या क्या चीज आता है, क्या क्या चीज पढ़ना पड़ेगा, या संविधान की जो अनुच्छेद है कितने अनुसूची है, कौन सा मूल संविधान में कितना अनुच्छेद था, बाद में कितना अनुच्छेद जोड़ा गया, कितनी अनुसूची बाद में जोड़ा गया, मूल थी में कितना था, कौन कौन सी धारा में कौन कौन सा बात आया है जो कि मुख्य मुख्य तौर पर हमको स्टडी करना है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री वगैरह किस किस धारा में आता है, किस अनुच्छेद में किस कौन सी बात आती है, एक शेड्यूल बना लेंगे तो निश्चित रूप से वो आपके ऊपर कमांड हो जाएगा। आपको अनुच्छेद को पूरी तरह से जो मुख्य मुख्य अनुच्छेद है आप इसमें इसमें ये कर लेंगे ना, उसके बाद खुद खुलता जाएगा रास्ता और उस सब्जेक्ट में लगेगा कि आपको कमांड हो गया, वो सब्जेक्ट से आप कहीं भी क्वेश्चन अराइज होगा आप खुद फुलवेज जवाब दे सकते हैं आप उससे। जैसे इतिहास का विषय पार बना लीजिए, इतिहास में क्या क्या हमको स्टडी करना है, इतिहास भारतीय इतिहास हो चाहे विश्व का इतिहास हो, उसको खाना वाइज एंशियंट मेडिवल मॉडर्न ये बांट ले, उसके बाद जो मेडिवल में जो पार्ट्स आता है उसको बांट ले, मॉडर्न का पार्ट्स बांट ले, ये एंशियंट का पार्ट्स बांट ले, उसके बाद वर्ल्ड के संदर्भ में और इंडिया के संदर्भ में बांट ले करके स्टडी करिए, उसके बाद अपने आप में कमांड आ जाएगा, कोई बात नहीं है। गहराई में जा करके भी कुछ पकड़ा तो जा सकता है जरूर, व्हेल को तो बहुत व्हेल जैसा मछली को हम तो जरूर पकड़ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सर। अब मैं अगला सवाल लेना चाहूंगी अनीश दत्ता जी का। उनका सवाल है जैसे कि यूपीएससी का मतलब हर साल 6 लाख स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट मतलब एग्जाम देते हैं, ठीक है, इसमें से मैक्सिमम 1000 सिलेक्ट होते हैं, तो वो जो 6 लाख जो पीपल है जो एग्जाम दे रहे हैं, तो अगर कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जैसे कोई भी रोजगार के लिए अगर कुछ वो मतलब संसाधन मतलब बनाते हैं, जैसे कोई छोटा मोटा बिजनेस हो गया कुछ उस टाइप का अगर करते हैं, या फिर कोई इंस्टीट्यूट मतलब किसी भी डायरेक्शन में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए अगर काम करते हैं, अगर एक साथ वो 2 पीपल लेते हैं तो कम से कम उसमें 12 लाख लोग को बेनिफिट हो जाएगा, तो हम लोग इसकी तरफ क्यों भाग रहे हैं? हर साल यूपीएससी में लगभग 6 लाख लोग मतलब अप्लाई मतलब एग्जाम देते हैं जिसमें से मैक्सिमम 1000 लोगों को सिलेक्ट किया जाता है, बाकी लोग तो सिलेक्ट नहीं होते, तो जो 6 लाख स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जो भी यहाँ पे पर्सन है जो एग्जाम दे रहे हैं वो अगर एक मतलब इनिशिएटिव लें एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार के प्रति, कुछ खुद से स्टार्ट करना चाहे, कोई स्टार्टअप करना चाहे, अगर एटलीस्ट वो 2 इंसान अगर एक साथ मतलब कर रहे हैं तो 6 × 6 × 2 = 12 मतलब 12 लाख लोगों को फायदा होगा इससे, तो हम लोग इस अनएम्प्लॉयमेंट के पीछे क्यों भाग रहे हैं? हम लोग यूपीएससी की तरफ भाग रहे हैं, एक तरह का रेस हो गया है ये, इसमें काफी कम लोगों को चांस मिलता है, तो हम लोग इस चीज के पीछे क्यों भाग रहे हैं? सफलता तो कुछ गिने चुने लोगों को ही मिलता है, जिस प्रकार से देखिए आप जो दूध का उदाहरण लीजिए, दूध वाले को कभी देखा होगा अपने मार्केट जाते हुए और मार्केट ले जा करके दूध डालता है कुछ जहाँ पर जो है दूध से खुआ मतलब कि मट्ठा निकाला जाता है, दूध को डालते जाओ जो दूध बेकार का दूध है उसको अलग कर दिया जाता है, मट्ठा का एकदम थोड़ा सा मट्ठा बचता है, इतना सारा दूध डालो तब जाकर के मट्ठा इतना सा निकलेगा, वो मट्ठे का इम्पोर्टेंस और जो बाकी बचा हुआ दूध का इम्पोर्टेंस, दोनों में जमीन आसमान का अंतर हो जाता है, दोनों का सोच
उसी प्रकार से यहाँ भी कमीशन में वही होता है, कमीशन में बहुत सारे लोग एक साथ आते हैं, इसीलिए प्रीलिम्स का ये रखा गया है, उसके बाद जो प्रीलिम्स में आते हैं उसके बाद मेंस का ये रखा गया है, मेंस में जो छटके आते हैं जो क्रीम निकलते हैं वो क्रीम, तो उस दोनों का जो बाहर चला गया उस दोनों की सोच में भिन्नता होती है, अंतर होता है, सोचने का ढंग में अंतर होता है और समझने का भी उसका दोनों का दोनों में अंतर होता है। तो अब जो बाकी जो बचा हुआ है जो जो भी बचा हुआ है, तो ये सब बात नहीं कि सबको सरकार रोजगार की ही व्यवस्था कर दे, रोजगार का मतलब ये नहीं हुआ क्या कि सरकारी रोजगार ही मिल जाए, रोजगार का सृजन किसी स्तर पे भी हो सकता है, चाहे इंस्टीट्यूशन स्तर पे हो, प्राइवेट स्तर पे हो, या कोई अपना स्वयं का रोजगार करता है, लघु उद्योग भी करता है, लघु कुटीर उद्योग वो भी रोजगार है। तो आप आत्मनिर्भर कैसे बन सकते हैं ये आप पे डिपेंड करता है, जो यदि अगर सरकारी नौकरी नहीं मिला तो हो सकता है कि कोई प्राइवेट, हो सकता है कि वो आईएएस नहीं बना, आईपीएस नहीं बना, लेकिन वह दूसरे क्षेत्रों में जाकर के उससे भी बड़ा नाम कमा सकता है, ऐसी बात नहीं, वो अपने हुनर का इस्तेमाल दूसरे क्षेत्रों में भी कर सकता है और इससे ज्यादा उसका नाम हो जाए, इससे ज्यादा बेहतर नाम हो जाए। एक छोटा सा उदाहरण हम देना चाहेंगे कि यदि दशरथ मांझी का हमने उदाहरण शुरू में दिया था, दशरथ मांझी, यू नो दशरथ मांझी, बिहार का एक दशरथ मांझी था जो कि रोहतास जिले का से बिलोंग करता था। दशरथ मांझी एकदम पहाड़ के कदराओं में रहता था और उसको जाने आने के लिए उसकी वाइफ जब पानी ले जाते तो बड़ा दिक्कत होता था, उसने ठाना कि इस पहाड़ को काट करके हम रास्ते बना देंगे, जबकि कोई साधन नहीं था, कोई ये नहीं था, कोई सरकारी योजना सरकारी साधन उसको भी नहीं मुहैया कराया गया था, लेकिन अपने सीमित साधनों से उसने पहाड़ को खोद डाला। तो ये कहना कि जो है हम सरकारी सेवक या सरकारी सेवक बनकर के ही नाम कमा सकते हैं, ये कोई ये थी नहीं यार, रोजगार इसी में प्राप्त कर सकते हैं, भिन्न भिन्न क्षेत्र हैं जहाँ की रोजगार जहाँ रोजगार का सृजन हो रहा है वहां जाकर के भी अपने क्षेत्रों में अपना नाम उठा सकते हैं, इस हो सकता है इससे ज्यादा हो जाए। ओके सर, आपके जो एग्जांपल ज्यादा इफेक्टिव असर किया होगा सबको, ज्यादा इफेक्ट पड़ा होगा उसका। अब मैं क्वेश्चन को एंड करती हूँ, अब हैंड ओवर करती हूँ प्रभास सर की वो कुछ कहें। जी थैंक यू सो मच सर कि आपने बहुत थैंक यू सो मच सर कि आपसे आपका अनुभव जान करके हमारे विद्यार्थी बहुत ही ज्यादा लाभान्वित हुए होंगे, और मैं आपको शुरू से सुन रहा था तो सुनने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ। मतलब एक होता है कि आपकी पर्सनालिटी देख करके बहुत ही ज्यादा आंख में बहुत ही ज्यादा चमक लौट आई बहुत समय के बाद, और आपका जो व्यक्तित्व मतलब ऐसे बात करते करते आपके बोलने के तरीके से आपके बोलने के लहजे से आप मतलब देख के लगता है कि आप इतने सरल स्वभाव के हैं, और ये जो आपने स्ट्रगल झेला है अपने जीवन में वो आपके व्यक्तित्व में निखरता है। एक्चुअली वो सामने से वो हम लोग को रियलाइज होता है कि आपने बहुत ही ज्यादा मेहनत करके स्ट्रगल करके खुद के मेरिट के बेसिस पे यहाँ तक ये मुकाम हासिल की है, तो ये चीज हमें दिल से बहुत छू गया, हम मुझे भी और जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, जितने भी हमारे टीम के ऑफिशियल्स वगैरह हैं, सब हम लोग देख करके आपके व्यक्तित्व को देख रहे थे। आप लोग जो बोल रहे थे, आपके बोलने के तरीके को, आपके जो वर्ड का जो टोनल क्वालिटी आप यूज कर रहे हो, कौन से वर्ड पे हाई बोलना है, कौन से वर्ड पे लो बोलना है, ये सब एक्चुअली इंसान का पर्सनैलिटी को पूरी तरह से अच्छे से डिफाइन कर देता है, जो आपसे हमें बहुत ही प्रेरणा मिली आज। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अपना कीमती समय निकाल करके हम लोगों से समय साझा किया इस तरह से, और आशा करते हैं कि आने वाले समय में जब कभी भी हमें और हमारी टीम को और हमारे स्टूडेंट्स को जब भी आपकी जरूरत पड़ेगी तो आप आएंगे फिर से, और अभी क्योंकि ये ऑनलाइन लॉकडाउन का समय है तो जैसे ही चीजें नॉर्मल होगी तो फिर अगर फ्यूचर में कभी प्लानिंग रहे ऑफलाइन मीट रखने का तो हम लोग फिर से इन्वाइट करेंगे आपको, फिर ऑफलाइन में आकर के खुद से मिल करके सारे स्टूडेंट्स आपसे मिल करके और इंस्पिरेशन लेंगे, प्रेरणा लेंगे और बात करेंगे। अब मैं हैंड ओवर करता हूँ नीतीश जी को,
क्योंकि उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था. अब मैं नितेश जी को बोलता हूँ कि आप नितेश जी अब सर के बारे में जो आप अच्छा अच्छा बोलते हैं वो फिर से आप अच्छा अच्छा बोलिए और सेशन को फिर क्लोज करते हैं हम लोग. धन्यवाद प्रभास जी, धन्यवाद. थैंक यू सर, आज आपने सबों को सकारात्मक रहने का जो संदेश दिया है तो उसी पर चंद लाइन क्यों. गम की अंधेरी रात में दिल को ना बेकरार कर, गम की अंधेरी रात में दिल को ना बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का तो इंतजार कर. इस संदेश के साथ धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत शुभरात्रि. आपको भी और आपके पूरे परिवार पूरे टीम को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू.